सीधे रुक करेंगे कलानौर का। बीजेपी का नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन जारी है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार रेणु डाबला के लिए यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लिए चलते हैं। बताए दियो, ये कलानौर को भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या पूछा था। पूछे तो मैंने काफी क्वेश्चन थे, परंतु आज मैं उनमें से और कम करता हूँ और शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। अरे पांच ही बता दे उड्डा साहब, कुछ तो बता देता है। बता ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा, बस एक बात आ कहा, बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। हुड्डा साहब जी सड़क के ऊपर तो चल रहा, तनु खड्डा भी नहीं लग रहा उसके ऊपर, और तय बता रहा कहा कोई काम नहीं करा है। एक शेर याद आ रहा है, मेरे शेर याद आ रहा हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। अरे जिनके बही खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये हमारा हिसाब मांग रहे, ये हमारे हिसाब के बारे में पूछता हुआ घूम रहे। अरे हुड्डा साहब, 5 तारीख को वोटिंग है, मैं आज आपको इस रोहतक की ऐतिहासिक भूमि से आप लोगों को करता है। कहा बेरोजगारी बहुत हो रही है, मैंने कहा हुड्डा साहब तन्ने 10 साल में कितने बच्चों को रोजगार दिया, पूरा हरियाणा जानना चाहता है, हरियाणा का युवा जानना चाहता है। आपने पर्ची खर्ची से रोजगार दिया, इसके बारे में पूछना चाहता है। आपने पर्ची के आधार के ऊपर नौकरी दी, इसके बारे में पूछना चाहता है। आपसे यह भी पूछना चाहता है कि गरीब वोट दे देता था और काम के लिए चक्कर काटता रहता था, उसको सम्मान नहीं मिलता। ये सम्मान अगर गरीब व्यक्ति को देने का किसी ने काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है, अभी हमारी बिटिया रेणु डाबला, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये बात बोल रही थी कि मैं तो गरीब परिवार की बेटी हूं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मुझे पार्टी टिकट दे करके कलानौर के अंदर भेजेगी। भाइयों, मैं कलानौर की सरदारी को एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी गरीब परिवार का बेटा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भाइयों एक गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा का मुखिया बना दिया है, और मैं आज ये चैलेंज से कह रहा हूं, ये गरीब परिवार का बेटा जिसको मात्र काम करने के लिए 56 दिन मिले हों, जिसको काम करने के लिए 56 दिन मिले हो, अरे हुड्डा साहब अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के काम गिनवा दे, मेरे 56 दिन के काम आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। मैं आज रोहतक के बीच में कह रहा हूं, अरे हमने मिशन मोड में काम किया। अरे हुड्डा साहब, आप मिशन मोड में नहीं, आप कमीशन मोड में काम करते थे, क्या मिला है क्या नहीं मिला उस आधार के ऊपर काम करते थे। परंतु हमारी सरकार भाइयों आज हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए आया हूं, एक आशीर्वाद से लेने के लिए आया हूं। भाइयों, दिन रात करके आप कमल का फूल यहां से खिला करके चंडीगढ़ भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इतनी गति से काम करूंगा कि हुड्डा साहब को सपने में भी दिखेगा कि इतने काम कैसे हो रहे हैं। भाइयों, इतनी गति से काम करूंगा। यह गरीब परिवार का बेटा है जिसकी एक ही सोच है
गरीब का भला करना। अरे गरीब क्यों लाइन के अंदर लगे, सम्मान से अपनी जिंदगी को जिए और सम्मान देना यह हमारी डबल इंजन सरकार का काम है। ये वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी और शपथ लेते ही ये राहुल गांधी ने कहा था। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं, अगर आप भूल गए तो राहुल को पूछ लो जाकर के, मेरे को मत पूछना, राहुल को पूछना कि राहुल ने मंच के ऊपर कहा था जिस दिन शपथ लेंगे कर्नाटक के अंदर, क्योंकि मैं वहां चुनाव में था, कि जिस दिन शपथ लेंगे अगले दिन महिलाओं के खाते में 2,000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाई वादा किया था, 2 साल हो गए हैं, 1 रुपया भी किसी महिला के खाते में गया हो? हुड्डा साहब बता दे, पूछ कर इनकी तो सरकार है, ये पूछ का बता दे भाई। राहुल तो पूछ ले क्या देता है, पूछना चाहिए इनसे। झूठ बोल करके सत्ता हथियाना और लोगों को गुमराह करना। तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार आई, तेलंगाना के अंदर क्या कहा इन्होंने, कहा महिलाओं को 2500 रुपए देंगे और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। ये 2 बातें कही, और भाइयों दोनों बातें इनकी वहां भी 1.5 साल 1 साल की सरकार होगी, ना तो 2,500 रुपए महिलाओं को दिए और आज तक ना 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया। झूठ बोल, ये सत्ता के अंदर आए और लोगों का शोषण कर रहे हैं। मैं आज आप गरीब का बेटा हूं, मैंने निर्णय किया हरियाणा देश की बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दूंगा और दूं। 1 अगस्त से देना शुरू कर दिया भाइयों। कोई भी महिला हमारी जिसकी 50 लाख परिवार हैं, जिनको लाभ मैंने देने का काम किया है, उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार दे रही है भाई, ये हमारी सरकार दे रही है। हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, कांग्रेस जो बोलती है उसके ऊपर राजनीति करती है, राजनीति करती है भाइयों, ये लोगों को लाभ नहीं पहुंचाती। आप सबको मैं इसलिए आगाह करने के लिए आया हूं, कलानौर की सरदारी आप सबको, कि भाई एक एक घर के अंदर जाना है। आपने रेणु डाबला बन करके, आपने नायब सिंह बन करके हर घर के अंदर एक बात कह दो भाई, कह दे कोई भी काम हो, कह दे हमारे को बता दियो हम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बताइए, अगर मेरे पास कोई काम को आता है ना, मेरे पास कोई काम को आता है, मैं अधिकारियों को बोलता हूं कि भाई ये दोबारा नहीं आना चाहिए मेरे पास, अगर दोबारा आ गया तो आपको बताना पड़ेगा किस कारण से आपके बीच में आया है। और भाइयों मैंने कहा है कि अभी 8 तारीख के बाद इसके अंदर और दुरुस्ती करने का समय है, और 8 तारीख के बाद इसको और दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। भाइयों हम सब मिलकर के एकजुट होकर के एक मुश्त हमने कलानौर के अंदर कमल का फूल खिलाना है। कमल का फूल आप खिलाएंगे, आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा, कलानौर का सम्मान कम नहीं होगा, विकास की गति में कलानौर सबसे आगे होगा। ये मैं वायदा करता हूं, ये मैं संकल्प लेता हूं, कलानौर के विकास को हम पीछे नहीं रहने देंगे, उसको आगे करने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।